NMMSS अर्थात राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति। आइए आज ये परीक्षा क्या है, किसके लिए है, इन सारी बातों की चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले ये स्कीम क्या है? इसमें 12,000 रुपये प्रतिवर्ष 4 सालों के लिए दी जाती है और ये क्लास 9 से क्लास 12 तक दी जाती है। तो इसकी एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है, कौन लोग इसमें बैठ सकते हैं, इस परीक्षा में इस स्कॉलरशिप को पा सकते हैं, तो वे छात्र छात्रा जो वर्तमान में क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके अभिभावक का जो इनकम है वो 3,50,000 यानी 3.5 लाख से कम होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि जो स्टूडेंट केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय या किसी आवासीय विद्यालय या प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए यह स्कॉलरशिप नहीं है। अर्थात यह स्कॉलरशिप किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वालों के लिए ही है। और बता दें कि यह एग्जाम प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज द्वारा स्वयं से लिया जाता है, वो खुद लेते हैं अपने स्टेट या यूनियन टेरिटरीज की परीक्षा, और केंद्र की ओर से सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स वे इस परीक्षा के द्वारा चयन कर सकते हैं यानी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, झारखंड को 1,959 स्टूडेंट्स का कोटा दिया गया है, अर्थात झारखंड अपनी 1,959 स्टूडेंट्स को यह स्कॉलरशिप दे सकती है। अब यह सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा? तो अभी मैंने कहा कि प्रत्येक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपना टेस्ट कंडक्ट करेगा और इस टेस्ट में पेपर्स कितने होंगे, तो ये पेपर्स दो हैं। पहला है मैक यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट और दूसरा है सैट यानी स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। दोनों में ही 90-90 एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी हर प्रश्न के चार चार ऑप्शन दिए हुए होंगे जिनमें से एक ऑप्शन आपको चुनना होगा। और जो समय निर्धारित है वो दोनों ही पेपर के लिए 90-90 मिनट है। सैट के लिए सैट में जो प्रश्न होंगे उनके विषय होंगे साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इन तीनों से 30-30 क्वेश्चन होंगे यानी टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। अब कट ऑफ मार्क्स क्या होगा? प्रत्येक मैट और सैट में आपको 40% अंक लाने होंगे, ST SC को 32% लाने होंगे। ये क्वालिफाइंग या कट ऑफ मार्क्स है, लेकिन मेरिट निर्धारित होगा दोनों मैट और सैट के अंक प्राप्त अंकों को जोड़कर। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्कॉलरशिप परीक्षा पास करने के बाद
स्टूडेंट को क्लास 8 के एग्जाम में कम से कम 55% अंक लाने होंगे, तभी वो स्कॉलरशिप पाने के हकदार होंगे। एससी एसटी को 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, तो आप अगर इस स्कॉलरशिप की परीक्षा में पास भी कर गए हैं और अगर 55% अंक नहीं लाते हैं तो ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा। अब एक जगह काफी स्टूडेंट गलती करते हैं जिसके कारण वे पास करने के बावजूद स्कॉलरशिप लेने से वंचित रह जाते हैं। बहुत सारे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों को यह जानकारी नहीं है कि यह परीक्षा पास कर लेने के बाद फिर उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इस स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। कंडीशन फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्कॉलरशिप, यानी ये 4 सालों के लिए है, तो क्या कंडीशन है कि क्लास 8 में आपको मिल रहा है, क्लास 9 में मिल रहा है, फिर 10 में, फिर 11 में, 12 में, तो क्या आपको कंडीशन फुलफिल करना होगा। तो क्लास 8 के बाद तो ये मिलेगा, उसके बाद आपको क्लास 8 से 9 में क्लियर प्रमोशन होना चाहिए। यानी सिर्फ प्रमोट होना है। पहले यहां पर कुछ अंक दिए गए थे, अब उसे नए नियमों के अंतर्गत हटा दिया गया है। और फिर 9 से 10 में भी आपको सिर्फ प्रमोट होना है। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप 9 से 10 जाते हैं तो आपको फिर से रिन्यूअल कराना होगा एनएसपी पर। अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो फिर आपका स्कॉलरशिप बंद हो जाएगा। क्लास 10 में आपको 60% बोर्ड एग्जाम में लाना होगा, तभी वो उसके आगे आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगा। फिर क्लास 11 से 12 में भी सिर्फ आपको पास करना होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको एनएसपी में, यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर जब 9th से आप 10th में जाते हैं, यानी 9th का जब आपका रिजल्ट निकल जाता है, तो आपको पुनः नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होगा। और यही प्रक्रिया आपको 10th से 11th में जाने पर भी करना होगा और 11th से 12th में भी जाने पर करना होगा। चूंकि ये क्लास 12 तक ही मिलता है, इसलिए इसके बाद फिर से रिन्यूअल नहीं होगा। आशा है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा। धन्यवाद।